और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की समाप्ति के बाद आईसीसी की ताजा रैंकिंग में बड़े बदलाव हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अहमदाबाद टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्र अश्विन को बड़ा फायदा हुआ है। बता दें कि रोहित शर्मा 6 स्थान की छलांग के साथ अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। वो 742 अंकों के साथ अब बल्लेबाजी के रैंक में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बल्लेबाजों की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन शीर्ष पर मौजूद हैं। वहीं शीर्ष 10 में भारत के कप्तान विराट कोहली 5वें स्थान पर बरकरार हैं, जबकि चेतेश्वर पुजारा 2 स्थानों के नुकसान के साथ 10वें नंबर पर मौजूद हैं। ऐसे में आपको बता दें कि गेंदबाजों की बात की जाए तो भारत के अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्र अश्विन ने लंबी छलांग लगाई है। रविचंद्र अश्विन अब 4 स्थान के फायदे के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अश्विन के अब 823 अंक हो गए हैं। उनके और दूसरे स्थान पर मौजूद कीवी तेज गेंदबाज नील वैगनर के बीच अब सिर्फ 2 अंकों का ही फासला रह गया है। ऐसे में आपको बता दें कि अन्य रैंकिंग में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को क्रम 3 और 1 स्थान का नुकसान हुआ है। ऐसे में एंडरसन 6 तो ब्रॉड 7वें स्थान पर लुढ़क गए हैं। इनके अलावा भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी 1 स्थान की नुकसान के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज जारी है। दोनों के बीच अब तक 3 मुकाबले हो चुके हैं, जिसके बाद भारत ने 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। बता दें आपको कि इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 2 टेस्ट मैचों में रोहित शर्मा और रविचंद्र अश्विन ने शानदार प्रदर्शन किया। रोहित ने पिछले 4 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 278 रन बनाए। वहीं अश्विन की बात की जाए तो अश्विन ने 1-5 विकेट के हॉल के साथ 15 विकेट चटका दिए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच का आखिरी मुकाबला कैसा रहता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।